लास्ट एपिसोड में माइकल और जिमी को किडनैप कर लिया तो और हम जिमी को बचा के आए थे आगे जो वर्डी सब गाइस कैसे सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज सुबह से मुझे माफिया का कॉल आ रहा है, 3-4 बार कॉल आ गया, पता नहीं क्यों कॉल आ रहा है। सो यार फटाफट से आज हम माफिया के घर जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको जिमी दिखा देता हूँ। यार जिमी देखो भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है, टीवी बंद करके गेम खेलने लगता है, पता नहीं क्यों भाई इसको पता नहीं क्या हो गया, शायद इसने वीआर लगा रखा है भाई, कुछ तो पता नहीं लग रहा है, जिमी ना पागल हो गया। छोड़ो तो यार फटाफट चलते अपने अंडर माफी यहाँ पे मिल रहा है। अंडर माफी यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे यहाँ पे कैसे आ गया ये माफिया? हेलो, अच्छा। सो गाइस माफिया ने मुझे बताया कि वो डुगन बोस जो है वो लॉस सैंटोस में ही है, वहां से जब भागा था वो। और गाइस माफिया ने मुझे लोकेशन भी बता दिया कि वो कहाँ पे आ रहा है, और माफिया ने मुझे बताया कि ट्रेवर अपनी गैंग लेके आ रहे। फटाफट चलते अपना डुगल बोस के घर और माफिया को हम डुगन बोस माफिया सारा बदला बदला निकाल लेगा डुगन बोस से। सो फटाफट चलते हैं अपने डुगन बोस के मैंशन। तो देख सकते हैं भाई साहब बस पहुंचने वाले, और मैंशन का मुझे पता लग गया था कहाँ है, और इसका जो मैंशन है पहाड़ी के ऊपर है भाई, बहुत बड़ा मैंशन है क्या बताओ। तो एक काम करते हैं पहाड़ की तरह चलते हैं, छुप छुप के मारेंगे, किसी को भी पता नहीं लगने वाला कि मैं आया हूँ। चुपचाप से पहले देख लेते हैं डुगन बोस की कार्ड्स वगैरह, वहाँ पे कितने गार्ड है। माफिया ने मुझे एक चीज़ और बताई थी, वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है देख सकते हैं। वैसे भी मैं स्नाइपर निकाल ले तो बढ़िया सी, मैंने सारी गन्स वन्स वगैरह सब लेस्टर से डिलीट, देख सकते हैं भाई फुल स्कोप मेरा चल रहा है बिल्कुल सही, लास्ट टाइम मेरा स्कोप वर्क नहीं कर रहा था। सो देख सकते हो भाई साहब कितनी सारी कार्स है भाई, मुझे यही से देख रहे हैं। ओ भाई साइड में कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, रुक जा मैं देख लेता हूँ धीरे धीरे जाके। ओ भाई साहब कितनी सिक्योरिटी है, 1, 2, 3, 4, अरे भाई गिन ही नहीं सकते। ओ भाई कितनी सारी कार्स है भाई साहब, गाइस देख सकते हो। ओ भाई 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 साहब, अब मुझे फटाफट से यार ड्राइवर को फ़ोन कर लेता हूँ कि भाई कहाँ रह गया, कह रहा था तेरे पीछे ही हो, 2 सेकंड में आ रूँ भाई, और माफिया ने तो मुझे यही बोला था। सो फटाफट कॉन्टैक्ट में जाके ड्राइवर को फ़ोन मिला तो यार देखते हैं कहाँ है यार। ओ भाई साहब, सो गाइस ड्राइवर को फ़ोन करने के बाद ड्राइवर ने मुझे बताया कि भाई वो बस 2 सेकंड के अंदर आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, और सीधे रश कर देंगे मतलब पुश कर देंगे भाई, फुल मज़ा आ जाएगा देख सकते हैं यार। सो फाइनल लेस्टर भी आ चुका है, सीधे अंदर पुश वुश कर दिया भाई, सबको मारना भी स्टार्ट कर दिया लेस्टर ने। ओ भाई साहब लेस्टर पूरी आर्मी लेके आ चुका है अपने साथ। सो देख सकते हैं गाइस अभी देखिए इन सबको मैं बताता हूँ, ये ले तू भी गया, तू भी गया, तुमने मारा कैसे, तू भी गया। भाई साहब कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है डुगन बोस की। ओ भाई साहब वो तो मेरे आर्मर पे लग रही है गोली, इस वजह से गोली ऊपर गिर के नीचे गिर जा रही है बार बार। सो अच्छा खासा कवर लेके मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। ओ भाई साहब तू भी गया, तू भी गया, ये ले तू भी गया, हेडशॉट दूंगा पट से हेडशॉट, तू भी गया, ये ले इस बार आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार के दिखाऊं मुझे, ले तू भी गया, ये ले। ओ भाई साहब साइड में बिल्कुल चारों तरफ आ चुके हैं भाई डुगन बोस की गैंग। भाई साहब कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, बट कोई नहीं ड्राइवर भी अपने साथ फुल गार्ड लेके आया, किसी को नहीं छोड़ेगा, देखते जाओ भाई पूरी आर्मी अपने साथ है। ये ले पट से हेड शॉट, ये ले तू भी गया ये ले। ओ भाई साहब फाइनली यार मुझे लग रहा है सब मर चुके हैं, और क्या पता शायद डुगन बोस के मैंशन। अरे भाई साहब पीछे से भी एक बंदा आ गया, ले तू भी बेटा। ओ भाई साहब पूरे आर्मी के भाई साहब 4-5 ही बंदे बचे हैं भाई साहब, सबको हमने देखो कितनी ज़बरदस्त मार दिया। ओ भाई साहब यार, ओ भाई। सो फटाफट चलते हैं अपने यार मैंशन के अंदर और देख लेते हैं, मैंशन के अंदर तो कोई लग नहीं रहा, तो यार बच गए शायद, मुझे ऐसे लग रहा है बच गए, कोई दिक्कत नहीं, सबको मार। अरे सामने और आर्मी, ओ भाई साहब ये तो और बंदे आ गए, तू भी गया, सबको मैं पट से हेडशॉट, देखा गया इसमें 1 टाइप हेडशॉट मारा। सो देख सकते हैं फटाफट से मुझे जाके वहाँ डुगन बोस को ढूंढना पड़ेगा, कहेंगे ओ भाई साहब उसकी और गैंग आ चुकी है गड्डी लेके, शिट यार शिट, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा यार, मुझे कवर लेना पड़ेगा फटाफट से, और धीरे धीरे इन सबको मारना पड़ेगा। ओ भाई साहब बाकी ट्रेवर भी सबको धीरे धीरे मार ही रहा है। ओ भाई साहब ट्रेवर पीछे के बंदों को देख रहे हैं, मुझे आगे के बंदों को तो मुझे संभालना पड़ेगा, देख सकते हैं भाई साहब ये ले तू भी, अब सब डेड हो गए मेरे ख्याल से। ओ भाई 4-5 बंदे और बचे भाई, इससे पहले और बंदे आए, हमें फटाफट से डुगन बोस को ढूंढना पड़ेगा यार, क्या होता है पता नहीं है। डुगन बोस घर के अंदर बैठे, उसे भी साउंड आ गया होगा कि बाहर कुछ फाइट हो रही है, तो क्या पता डुगन बोस चकमा दे के निकल जाए, या कुछ भी हो सकता है, लास्ट टाइम निकल गया था आपको पता है, उससे लास्ट टाइम भी निकल गया था, बट आज नहीं छोड़ने वाला मैं डुगन बोस को, देख सकते हैं भाई साहब गाय सबको मार दिया। ओ भाई अब डुगन बोस को देखते हैं फटाफट से, वोरा तू कैसे रह गए, तू भी बेटा ये ले बेटे समझ चुके। सो गाइस देख सकते हो डुगन बोस फटाफट से ऊपर जंप मार के और गाड़ी में भाग गया अपनी। ओ भाई मैंने उसकी गाड़ी में मारने का इतना कोशिश करा भाई, एकदम से भाई मेरी एमो रीलोड पे अटक गई। ओ भाई साहब, ओ भाई, और ये निकल गया अपना डुगन बोस। अब फटाफट से मुझे कोई गाड़ी देखनी पड़ेगी, हाँ ये वाली गाड़ी ले जाता हूँ, Z9 स्पीड भी इसकी अच्छी खासी, बट उसके पास जो है वो बुकाटी है यार, बुकाटी की स्पीड बहुत तेज़ है। आर्मी वाला बंदा कहता कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
अब मुझे फटाफट से निकलना पड़ेगा डुगन बोस के पीछे। डुगन बोस की गाड़ी मुझे दिख भी नहीं रही, वो इतनी तेज नाइट्रो मार के चला गया। मुझे तो लगता है आज भी डुगन बोस भाग गया, नहीं मार पाऊंगा, मेरी बस की नहीं है भाई। देख सकते हैं फिर अगली बार मुझे लेस्टर को कॉल करना पड़ेगा। बट देख सकते हैं मेरे सामने गाड़ी दिख चुकी है, वो रही डुगन बोस की कार। सो देख सकते हैं डुगन बोस की कार में भाई बहुत आर्मर वगैरह लगा हुआ है, बट भाई कितना ही आर्मर हो उसका मैं टायर एक एक करके पंचर करूंगा। देख सकते हैं अभी ठोकर मार तू, अरे भाई 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 बच गया ये नूबड़ा। अभी देख सबसे पहले गाइस हम इसके ना चारों टायर को पुश करते हैं जिससे इसकी गाड़ी चलेगी नहीं, टकरा जाएगी। फिर मैं इसको अपनी गाड़ी पे बांध लूंगा, पीछे मेरी डिक्की में रस्सी वस्सी पड़ी हुई। तू गया ये ले। ओ भाई साहब उसका बम्पर उड़ गया भाई, उड़ते उड़ते बच गया। ओ भाई उड़ गया। सो इस बार नहीं छोड़ूंगा डुगन बोस। देख तूने जिम्मी को कैसे, तूने मुझे भी पकड़ा था, लेस्टर को भी तूने मारा था ना। अभी देख इस बार नहीं छोड़ने वाला गाइस, देखते जाओ डुगन बोस को भाई यहीं पे मार दूंगा। मारूंगा तो नहीं, मुझे बिग माफिया ने बोला उसको तू जिंदा लेके आएगा कुछ भी करके। भाई मैंने क्या टक्कर मारी, अरे भाई साहब आउट ऑफ कंट्रोल। रुक जा अभी देख डुगन बोस तेको मैं बताता हूँ। देख तू गया। अरे भाई साहब रुक जा अभी देखते को मैं बताता हूँ। गले इसका आगे वाला टायर भी शायद पंचर हो चुका है और अब मुझे इसका राइट वाला टायर पंचर करना है। देख सकते हैं भाई साहब, अरे भाई 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 इसके टायर पंचर हो चुके हैं और इंजन भी इसका बैठ चुका है मुझे लग रहा है ऐसा। गाड़ी भी बहुत धीरे धीरे चल रही है पता नहीं क्यों। अब मुझे इसको टक्कर मार के किसी पे मतलब गाड़ी को रुकवाना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई ठुका। ओ भाई साहब गाइस इसी के साथ से डुगन बोस ठुक चुका है। अब मुझे फटाफट से, अरे भाई डुगन बोस भाग रहा है, फिर भाग रहा है, इस बार नहीं छोड़ूंगा भाई साहब उसको। भाई मैंने क्या मारा है। इसी के साथ डुगन बोस निकल के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ओ भाई साहब देख सकते हैं गाइस, अरे भाई साहब बैट लेके आ गए। ओ भाई डुगन बोस ने क्या मारा। रुक जा भाई फटाफट इसे इंजेक्शन दे दे तो भाई किसी को पता नहीं लगेगा। ओ भाई साहब इसने मुझे फिर मारा यार, रुक जा अभी से इंजेक्शन दे देता हूँ। सो अभी एक दो घूसे मार के फटाफट इंजेक्शन दे देता हूँ। गाइज मैंने इनसे इंजेक्शन दे चुका हूँ डुगन बोस को, अब ये सो रहा है मजे से। अब इसको मैं अपनी फटाफट से गाड़ी के आगे बांध लेता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी में डिक्की है नहीं साइड में बिठा सकता, दिक्कत हो जाएगी। फटाफट से इसको आगे बांध के माफिया के घर पे ले सकते हो। सो गाइस देख सकते हैं मैंने इसको रस्सी से आगे डुगन बोस को बांध लिया है। सो देख सकते हैं भाई साहब ये रहा डुगन बोस। ओ भाई कितना मैंने टाइट बांध दिया भाई, अब नहीं उठने वाला है ये। जब माफिया के वहाँ पे जाएगा तो ये शायद नींद खुल जाए इसकी, तो देख माफिया से बताएगा कि भाई तूने पंगा कैसे लिया भाई। अभी देख अभी बस माफिया के मेंशन गाइस कुछ ही देर में पहुँचने वाले यहीं पे पास में है वो। तो शुक्र है डुगन बोस इसी के साइड से जा रहा था इसलिए भाई पास में। अभी इस बार तूने छोड़ना गाइस डुगन बोस के साथ। और गाइस नेक्स्ट सीरीज में आपको क्या कैसे फटाफट कमेंट करके बता दो या सब्सक्राइब कर दो। सो देख सकते हैं हम फाइनली पहुंच चुके हैं बिग माफिया के मेंशन। ओ भाई सब सोने ये कार कितनी सारी है। ओ भाई साहब एक से एक कार है। ओ भाई देख सकते हैं। तो यार फटाफट से मैं डुगन बोस को निकाल ले तो रस्सी खोल चुका हूँ मैं, डुगन बोस भी नीचे आ चुका है। अब डुगन बोस को पानी गिर के मैंने उठाया और वो उठते ही भाई बिग माफिया को मारने लग गया भाई बिना सोचे समझे। ओ भाई साहब क्या मारा बिग माफिया को। फिर बिग माफिया ने बोला 1v1 करते हैं, रुक जा मैं अपना बैट लेके आता हूँ। सो देख सकते हैं भाई बिग माफिया को कैसे मार रहा है और मुझे बिग माफिया ने मना किया कि तू हाथ नहीं उठाएगा। बिग माफिया कहता मैं ही मारूंगा इसे, तो डुगन बोस को अपना पूरा बदला हिसाब करूंगा और तेरा भी बदला मैं करूंगा पूरा। और डुगन बोस को ना मैं अपनी कस्टडी में रखूंगा, इसे मैं पूरा ख़त्म नहीं करूंगा। देखते जैसे कितना मारूंगा। फाइनली भाई डुगन बोस ने बैट छोड़ दिया और माफिया ने मुझे थैंक यू बोला है और माफिया ने मुझे जाने को बोला है। देख सकते हैं भाई साहब डुगन बोस का भाई खून निकाल दिया, अभी बिग माफिया से पकड़ के रखेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। सो गाइस फटाफट चलते हैं अपने घर पे भाई साहब। देख सकते हैं भाई गाड़ी की हालत देख सकते हैं भाई, और रस्सी भी मुझे जाके निकालनी पड़ेगी। अरे इधर से तो रास्ता ही नहीं है, मुझे पीछे से जाना पड़ेगा। शिट यार मुझे फटाफट अपने घर पहुँचना पड़ेगा। देख सकते हैं यार भाई बिग माफिया ने भी डुगन बोस को मारा नहीं है, मुझे भी नहीं पता बिग माफिया डुगन बोस के साथ क्या क्या करेगा। गाइस कमेंट करके बताओ गाइस अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो। और या फटाफट से अपने घर चल लेते हैं। देख सकते हैं अपना घर आ चुका है और इसको मैं यहीं पे साइड में लगा देता हूँ और फटाफट से देखते हैं भाई सब आज तो बहुत मज़ा आया गाइस। सो गाइस इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना और कमेंट में स्पैम कर देना पार्ट 2 पार्ट 3 है वैसे तो पार्ट 3। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा हटने ना दूं मैं फोकस, वो अलग सबसे मिलता ना कुछ सेम होकर, जब से कहता मैं जो करना तू वो कर, मेरा एम ऑन लॉक जब वो गेम ऑन मेरा हटने ना दूं मैं।